क्या सच में शिवजी यानी शंकर भगवान अविनाशी हैं, पूर्ण परमात्मा हैं? आइए आज इस बात पर विवेचन करते हैं। एक बार भस्मागिरी नाम के राक्षस ने एक पैर पर खड़े होकर खूब तप किया। तब माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि आपका भक्त आपसे क्या मांग रहा है, वो दे दीजिए। शिवजी ने प्रसन्न होकर भस्मागिरी से पूछा कि मांग भक्त क्या मांगता है। तब भस्मागिरी ने कहा कि मुझे आपके हाथ में मौजूद कड़ा चाहिए। उस कड़े की खासियत ये थी कि यदि वो कड़ा पहनकर किसी के सिर पर हाथ रख कर भस्म कह दिया जाए तो सामने वाला व्यक्ति तुरंत भस्म हो जाता था। शिवजी ने सोचा कि ये भक्ति करने वाला प्राणी जंगलों में रहता है, इसलिए जंगली जानवरों से बचने के लिए इस कड़े को मांग रहा होगा। शिवजी ने उसे वो कड़ा निकाल कर दे दिया। कड़ा पहनते ही भस्मागिरी बहुत जोर से हंसा तथा कहा कि हे शिव शंकर, सावधान, अब इस कड़े से मैं तुझे मारूंगा तथा तेरी पत्नी को अपनी पत्नी बनाऊंगा। की बात सुनकर शिवजी बहुत परेशान हो गए तथा अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। आगे आगे शिवजी, पीछे पीछे भस्मागिरी। अंत में शिवजी की ये हालत देख भगवान विष्णु जी ने माता पार्वती रूप बनाकर भस्मागिरी को रोका तथा उससे कहा कि यदि तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो पहले मुझे नाच कर दिखाओ। भस्मागिरी बोला कि मुझे नाचना नहीं आता। पार्वती रूप में विष्णु जी बोले, मैं बताता हूँ, तुम उसी प्रकार नाचो। जैसे ही भस्मागिरी का हाथ उसके सर पर आ गया तभी विष्णु जी ने कहा, भस्म हो जा, और भस्मागिरी उसी समय भस्म हो गया तथा उसके बाद उसका नाम भस्मासुर कहलाया। जब शिवजी को भस्मासुर के भस्म होने के बारे में बताया गया तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। जब भस्मासुर की राख देख ली तब उन्हें शांति हुई। इससे स्पष्ट होता है कि शिवजी ना तो अंतर्यामी है, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं था कि सामने वाला व्यक्ति किस उद्देश्य से तप कर रहा है, तथा ना ही अविनाशी परमात्मा है। यदि वो अविनाशी परमात्मा होते तो उन्हें भस्मासुर से भागने की आवश्यकता ही नहीं होती। आध्यात्म की ऐसी ही सत्य जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें।